नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के बारे में। जो आज सुनवाई थी रीट लेवल फर्स्ट की नियुक्ति के बारे में, सामान्यकरण और बोनस मामले को लेकर जो आज अहम सुनवाई थी, उस सुनवाई में क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट में जो आज सुनवाई होनी थी उसमें फैसला ये निकला है दोस्तों कि आप देख सकते हैं उपेन यादव ने अभी भी पोस्ट की है, रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम का कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित, रीट लेवल प्रथम चयनित अभ्यर्थियों की होगी जीत, उपेन यादव राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। तो दोस्तों, रीट लेवल प्रथम की जो आज सुनवाई थी उसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और अब इसको 5 या 6 दिनों के भीतर वापस फैसले आए जो उसको बताया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसकी अंतिम सुनवाई थी दोस्तों, अब कोई सुनवाई नहीं होगी है और कोर्ट ने जो भी फैसला निकला है उसको सुरक्षित रख लिया है। और दोस्तों, इस फैसले को सुरक्षित करने के पीछे अब हमें यही लगता है कि सरकार रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड को एक साथ नियुक्ति देना चाहती है और लगभग सितंबर के अंत तक रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों को नियुक्तियां दे दी जाएगी और रीट लेवल फर्स्ट की आज बहुत बड़ी जीत हुई है और दोस्तों जल्द ही उनकी नियुक्ति होगी और वो स्कूलों में होंगे और रीट लेवल फर्स्ट वाले अभ्यर्थियों के सभी के लिए आज ये खुशी का अवसर है दोस्तों। और साथ ही साथ रीट लेवल फर्स्ट वालों को लगभग 5 या 6 दिन के भीतर जो ये फैसला आया है उस जो फिर सुरक्षित फैसला आज लिया है उसको भी मतलब बता दिया जाएगा भाई ये फैसला हुआ है। और मुझे दोस्तों लगता है कि रीट लेवल फर्स्ट के हित के में ये फैसला आया है और जो भी फैसला आज आया है वो इनकी नियुक्ति के संबंध में आया है, लेकिन आज उन्होंने मतलब इसको ओपन नहीं किया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।